हेलो दोस्तों, गुजरात और यहाँ पे सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में कौन से प्लेयर्स को आपको लेना है जो कि दोस्तों आपको विनर बना सके। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने एक मुकाबला लगाया था आरसीबी और केकेआर के बीच में, जो कि हमने यहाँ पे 70 रुपये जीता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए प्लेयर आपको कौन कौन से लेना है जो कि यहाँ पे चल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 59 रुपये में आप कॉन्टैक्ट यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट अब ज्वाइन कर रहे हैं, यहाँ पे 55 करोड़ का है यहाँ पे है। और यहाँ पे देखेंगे जो आपका प्राइज़ है विनिंग का, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट वाले का 2 करोड़ है, सेकंड वाले का 1 करोड़, थर्ड वाले का 1 करोड़, यहाँ पे भी 1 करोड़, यहाँ पे भी 1 करोड़, यहाँ पे 5 लाख, यहाँ पे 3 लाख। ठीक है, हम यहाँ पे जाएंगे ज्वाइन कॉन्टैक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि देख रहे हैं हमको यहाँ पर टीम को किसको किसको रखना है। अब यहाँ पर देखिए रिधिमान साहा जो कि गुजरात की तरफ से हैं, ओपनिंग करते हैं। ठीक है, जो आपके हिंदी क्लासन है वो आपके यहाँ पर जो कि 3 के बाद यहाँ पे 204 नंबर पे आते हैं हैदराबाद से। ठीक है, तो अब यहाँ पे किसके साथ आपको जाना चाहिए, तो आपको मैं बताऊँ तो आपको जाना चाहिए यहाँ पे 200 क्लासन के साथ, क्योंकि इनका देखेंगे पॉइंट जो कि बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और इनका भी यहाँ पे देखिए आपका रिद्धिमान शाह की तरफ जा सकते हैं, लेकिन ये आपको पता है कि चलेंगे नहीं चलेंगे, लेकिन ये आपको पिछले मुकाबले में देखने को मिला था, 80 रन इन्होंने मारा था। ठीक है, जो कि आपके मुंबई के खिलाफ। बैटिंग में जाएंगे तो देखिए गिल जो हैं वो आपके ओपनिंग करेंगे गुजरात की तरफ से, इनको आप पिकअप कर सकते हैं। ट्रेविस हेड भी है, इनको भी आप पिकअप कर सकते हैं। मयंक अग्रवाल को देखेंगे 31% लोग यहाँ पे लिए हैं। ठीक है, और इनका जो अभी तक पॉइंट रहा है कितना 74 है, उससे अच्छा साई सुदर्शन का देखेंगे पॉइंट अच्छा है। डेविड मिलर का देखेंगे 63% है। ठीक है, ये तो आपके खेलने वाले नहीं हैं क्रिमिलियनसन। ठीक है, राहुल त्रिपाठी को आप ले सकते हैं, लेकिन लोगों का देख रहे हैं चांसेस कम है। यहाँ पे देखिए अभिषेक शर्मा जो कि पिछले मुकाबले में आपको पता है कि मुंबई के खिलाफ इन्होंने बेहद ही अच्छी जो कि रन बनाए थे, 64 रन आपके इन्होंने बनाए थे। ठीक है, तो हम यहाँ से इनको भी ले लेते हैं जो कि आपके अभिषेक शर्मा को, विजय शंकर, और यहाँ पे हम चले जाएंगे ऑलराउंडर पे। मैकरम को लेना आपको हैदराबाद से। ठीक है, जॉनसन को भी ले सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर गुजरात की तरफ जाना है। उमरजाई के लिए आपको जाना है। राहुल त्रिपाठी आपके यहाँ पे जो कि भी अच्छे भी हैं। और यहाँ पे बात करें तो आपको और यहाँ पे नीचे किसको लेना है, तो देखिए यहाँ पे आप जा सकते हैं बॉलर में। ठीक है, बॉलर में पहले राशिद खान को पिकअप करिए, पैट कमिंस को पिकअप करिए। ठीक है, मोहित शर्मा को आप नहीं लीजिए, मोहम्मद मलिक को मत रखिए, यहाँ पे नटराजन को लीजिए, ये आपको पॉइंट देकर जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर जाएँगे तो उमेश यादव को आप नहीं लीजिए। ठीक है, फारूकों की भी बात आप नहीं लीजिए, इधर साइड में जाइए। अब बैटिंग में जो है हमने यहाँ पे अभिषेक शर्मा को लिया, और यहाँ पे सुमन गिल, ट्रेविस हेड, मयंक अग्रवाल, साई सुदर्शन। यहाँ पे देखेंगे तो आपकी जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे आपकी जो कि हमारी टीम यहाँ पे बन चुकी। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये आपके लिए। अब इसमें किसको कैप्टन लेना है, तो यही मेन फंडा है। तो इसके लिए क्या है, मैं आपको मॉर्निंग के टाइम पर पूरा मैं आपको वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा, पूरा एनालिसिस, पिच रिपोर्ट, सारा डिटेल्स के बारे में, कौन प्लेयर कितना वहाँ पे हो सकता है, कितना एवरेज है दोनों की टीमों, गुजरात और एसआरएच के बीच दोस्तों यहाँ पे कितना आपके जो भी मुकाबले होंगे कितना यहाँ पे जीतने के चांसेस हैं। तो सुबह के टाइम आपको वीडियो मिलेगा, और यहाँ से किसी आपको एक कैप्टन ऐप लेना है, एक वाइस कैप्टन चुनना है, और ऐसे आपको प्लेइंग 11 आपको बना लेना है, जीतना है तो ही मुकाबले में। ठीक है, क्योंकि जो लोग का बैटर प्रथम अच्छा है और जो लोग विकेट ले रहे हैं उन्हीं लोगों के लीजिए, बाकी आप ऐसे अनसेसरी लोगों को अपने टीम में मत रखिए, नहीं तो जो आपका पैसा 49 रुपये 59 रुपये में जो भी आप लगा रहे हैं वो आपका पूरा लॉस हो जाता है। तो अच्छे लोगों को जब पिकअप आप करेंगे तो फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो है वो आपके पैसे जो कि आएंगे। तो उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करिए, शेयर करिए, और सुबह के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।